सरकार की ओर से कृषि बिल के 3 विधेयक लोकसभा तथा राज्यसभा में पारित हो गए। मोदी सरकार द्वारा लोकसभा द्वारा पारित कृषि से जुड़े 3 विधेयकों को किसानों के लिए लाभकारी बताया है। इन विधेयकों में सिर्फ और सिर्फ किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है, किंतु राज्य सरकार इसका विरोध कर रही है। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल का कांग्रेस जमकर विरोध कर रही है, किंतु मोदी सरकार का कहना है कि यह बिल किसानों के हित में है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस बिल को राज्य में लागू करने का आदेश भी दिया था, किंतु सरकार ने कुछ दिन बाद उस पर स्टे दे दिया। यह किसान विरोधी है। इसी कारण चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में कलेक्टर ऑफिस के पास महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसान बिल पर जारी किए गए GR बिल की होली जलाकर स्टे का विरोध किया गया। आघाडी सरकार ने शेतकऱ्यांचा GR वापस घ्या। GR रद्द करा। GR रद्द करा। बावनकुले का कहना है कि बाजार की अनिश्चितता से कृषकों को बचाना तथा बिचौलियों की हटाना है। केंद्र शासन द्वारा लागू किए गए कृषि बिल को जल्द से जल्द पास किया जाए, ऐसी मांग कलेक्टर ऑफिस में की, अन्यथा पूरे जिला तथा महाराष्ट्र में हम इस GR का विरोध करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने किसानों के हित में 3 बहुत महत्वपूर्ण कायदे तैयार किए। कांग्रेस का हमने अगर मैनिफेस्टो देखा तो कांग्रेस ने भी अपने चुनाव कार्यक्रम में कहा था कि हम लोग आने के बाद ये कायदा लागू करेंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का पालन मोदी जी ने किया और अभी इतना नीचे स्तर पे गए कि किसानों को भड़का रहे, आंदोलन कर रहे, और महाराष्ट्र सरकार ने तो बहुत ही ज़्यादा अगाऊपना कर दिया। क्या किया इन्होंने कि पणन संचालकों ने मेरे पास किया कागज है 24 जून और 10 अगस्त को केंद्र का कायदा लागू करो ऐसा आदेश निकाला, लेकिन महाराष्ट्र के सरकार ने के पणन मंत्री ने 30 सितंबर को स्टे दे दिया। ऐसा स्टे देने का अधिकार केंद्र सरकार के कायदे को स्टे देने का अधिकार एक कागज को नहीं है, वो कायदा है और एक कागज है। हम लोग आज कलेक्टर ऑफिस में आके इसका हमने GR को जलाया है, हमने स्टे को जलाया है। सरकार ने स्टे वापस लेना चाहिए, नहीं तो हम सारे महाराष्ट्र के बाजार समिति के सामने आंदोलन करेंगे और ये किसान विरोधी महाराष्ट्र सरकार को सबक सिखाएंगे। केंद्र सरकार के 3 कायदे ये किसानों को डायरेक्टली अपना माल बेचने के लिए लिया हुआ निर्णय है। जहाँ ज़्यादा पैसे मिलेंगे वहाँ वो माल बेचेंगे, और कांग्रेस चाहती है उनकी बाजार समिति में कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस चाहती है कि हमारे बाजार समिति में लोग आए, हमको कमीशन मिले, इसलिए GR ने यह स्टे किया है। कांग्रेस को चाहिए कमीशन, उनकी बाजार समिति है सब तरफ है, आप जाके देखेंगे तो 90% बाजार समिति कांग्रेस पार्टी के पास है, और वहाँ के एजेंट को इनको एजेंसी चलाना है, लोगों को चलाना है और किसानों को मारना है, तो इसलिए हमने ये होली की है। सरकार ये तुरंत के वापस ले, नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे।